हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं गाजर के अचार की रेसिपी। गाजर का अचार बहुत ही पौष्टिक और टेस्टी अचार होता है, जो बच्चे और बड़े सबके मन को भाता है, और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए बनाते हैं गाजर के अचार की रेसिपी। सबसे पहले हमने हाफ के जी गाजर को 2-3 बार धो के पोंछ के और उसके बाद इसको ये इस तरह से लॉन्ग शेप में काटा है। तो आधा किलो गाजर लें और उसे लॉन्ग शेप में काट लें। और साथ में ली है हमने 3 से 4 लहसुन की कली, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 नींबू का टुकड़ा लिया है। सबसे पहले बना लेते हैं मसाला। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 3 चम्मच सौंफ, 3 चम्मच धनिया और हमें चाहिए 1 चम्मच मेथी दाना और 1 चम्मच राई दाना या सरसों दाना, इसको स्किप ना करें, अचार इसी से खट्टा होता है, और 1 चम्मच जीरा। और थोड़ा सा चटपटा और स्पाइसी टेस्ट लाने के लिए हम 2 से 3 लाल मिर्चों का उपयोग करेंगे और सबको हम थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले को हमें हल्का सा गर्म करना है जिससे मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और इनमें कोई नमी ना रहे। और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके हमने इसको ले लिया है मिक्सी जार में। मिक्सी जार में लेकर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम एक बाउल में इस मसाले को निकाल लेते हैं। मसाला तैयार हो गया है, गाजर कट गई है, तो चलिए बनाते हैं स्वादिष्ट अचार। तो अचार बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक पैन को लेकर गर्म करना है और इसमें लगभग 1 कटोरी फुल भर के ऑयल डालना है। ऑयल को हमें थोड़ा सा गर्म करना है जिससे ऑयल का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। कच्चापन दूर करने के बाद हम इसमें सबसे पहले डाल देते हैं थोड़े से हरी मिर्च, जो कटी हुई हरी मिर्च है सबसे पहले हम उसको डालेंगे। और हरी मिर्च डाल के लहसुन को भी डाल देते हैं जिससे ये दोनों थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। इनको हमें तलना नहीं है या भूनना नहीं है, इनको बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और गाजर भी यहाँ पर मैंने कच्ची इस्तेमाल करी है, तो गाजर को या तो आप थोड़ा सा उबाल लें और नहीं तो मेरे जैसे तरीके से अगर आप इस तरह का अचार बनाएंगे तो ये आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है और ये थोड़ा सा खट्टा मीठा भी बनता है। तो इसमें अब हमने डाल दिया है गाजर को। गैस की फ्लेम हमारी मीडियम है अभी और गाजर को भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। इसमें इस तरह से बनाया हुआ अचार हमारे खाने के जायके को बढ़ा देता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें जब भी खाना खाना है तो हमें थोड़ा सा अचार होना चाहिए, तो सर्दियों के मौसम के लिए ये अचार बहुत ही बेहतरीन है। अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। स्वाद के अनुसार नमक डालकर हम इसको चलाते रहेंगे। और अब हम इसमें और थोड़े से मसालों का उपयोग करेंगे। पहले हमने जो नमक डाला है उसको हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और नमक जब मिक्स हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम हल्दी पाउडर डालने के बाद गैस को बंद कर देंगे। गैस को बंद करके बस हमें इतना ही गाजरों को पकाना है, क्योंकि गाजर हमें कच्ची रखनी है, हमें गाजरों को पकाना बिल्कुल भी नहीं है। और अब हमने जो मसाला पीसा था उसको डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हम थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में डालेंगे जिससे वो अच्छे से गाजर के ऊपर कोट कर ले और अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये हेल्दी अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मसाला मैंने और डाल दिया और अब मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। और मिलाने के बाद हम इसको गैस से नीचे रख के थोड़ा सा इसको हमें ठंडा होने देना है। इस तरह से आप अचार को किसी भी मौसम में बना पाएंगी, क्योंकि गाजर तो जाड़ों में तो बहुत आज से मिलती है लेकिन हमेशा मिलती है, तो इसे किसी भी तरह से आप बना सकती हैं। और ये देखिए इस तरह से हम इसमें अब डाल देंगे नींबू। नींबू आप चलनी के अंदर ही निचोड़ के डालें जिससे कि जो बीज हैं वो चलनी में आ जाएंगे और नींबू का रस इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। हमने गैस से इसको उतार के ठंडा होने देने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको
बरनी में भर लेंगे। तो बरनी के लिए हमने ये देखिए इस तरह का ये कांच का जार लिया है, इसको हमने गर्म पानी से धो के सुखा लिया है और अब तैयार अचार को हम इस जार में भर लेंगे। ध्यान रखिएगा हमारा जो जार है वो बिल्कुल सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें कोई पानी की नमी ना हो जिससे कि अचार खराब ना होने पाए। इस अचार को आप पूरी, पराठे, रोटी अथवा दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और ये अचार बच्चे बड़ों सबको बड़ा ही पसंद आने वाला अचार है। ये पौष्टिक होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट अचार होता है जिसको आप किसी भी मौसम में बनाइए, ये हर मौसम में बहुत ही पसंद आता है। तो ये इसको ढक्कन लगाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखकर इसको 1 महीने, 2 महीने, जितने दिन ये चलेगा ख़राब बिल्कुल नहीं होगा और ना ही इसका कोई टेस्ट बदलेगा। जहाँ पर मैंने नींबू का इस्तेमाल किया है उसकी जगह अगर आप सिरका डालें तब भी ये चलेगा, क्योंकि सिरका भी वही खट्टा टेस्ट देता है। तो ये खट्टा मीठा नींबू का अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये थी हमारी गाजर के अचार की रेसिपी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ मैं आपको लेकर आती रहती हूँ एक से एक नई फूड रेसिपी और नए नए एक्सपीरियंस में यहाँ पर चैनल के माध्यम से आपको दिखाती रहती हूँ।